नमस्कार, मैं सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम भाग्य डे में। हमारे साथ है ज्योतिष विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार पंडित पवन कौशिक जी, जो बताएंगे कि कैसा गुजरने वाला है आपका आज का दिन, कितना मिलेगा भाग्य का साथ। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दर्शकों, हम सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं यदि हमारे घर का वातावरण बेहद सुखद होता है, लेकिन इसके विपरीत जरा सोच के देखिए, हर वक्त घर में झगड़ा हो, कलह बढ़ रहे हो, कोई ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न हो जाए जिससे कि घर में तमाम कोशिशों के बावजूद भी घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण उत्पन्न रहे, ऐसे में आप क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आइए आज पंडित जी से यही जानते हैं कि क्या है वो कारण जिनकी वजह से घर में कलह बनी रहती है। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों हमेशा ऐसा होता है कि कई बार एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, बल्कि सालों साल घर में कलह बनी ही रहती है, उसके पीछे कारण क्या है। दर्शकों, मुख्य वजह इसके पीछे होती है आपका वास्तु। अगर आपके घर का वास्तु अनुकूल नहीं है तो घर में कभी भी शांति का वातावरण नहीं रह सकता। वास्तु सम्मत मकान का सीधा सा अर्थ है कि आपके भवन में पंच तत्वों की व्यवस्था ठीक प्रकार से है। ये पंच तत्व है अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। अगर आपके घर में अग्नि तत्व दूषित अवस्था में है तो वो झगड़े का मुख्य कारण हो सकता है। इस वास्तु दोष के कारण घर में कलह का वातावरण कभी भी शांति नहीं रहती। अगर कोई शांत प्रवृत्ति वाला व्यक्ति वहाँ आकर रहने भी लग जाए, आपके घर में मान लो आ भी जाए, तो वो भी दुश्चर बन जाता है। इस प्रकार के वास्तु दोष वाले भवन में स्त्रियों का स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है और यह गर्भस्थ स्थिति को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके घर में भी ये वास्तु दोष है, आप चेक करें कि कहीं आपका रसोई घर गलत दिशा में तो नहीं बना है। अगर ये समस्याएं बहुत ज्यादा है तो हो सकता है कि आपकी रसोई ब्रह्म स्थान या फिर ईशान कोण में बनी हो। सीढ़ियों में तो भूल कर भी आपको रसोई घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण वंश को हानि पहुंचाने की क्षमता रखता है। वास्तु शास्त्र के मार्गदर्शन में आपको उचित उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि आपके घर में कलह का वातावरण ना बना रहे। पंडित जी, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, और क्या वजह हो सकती है। दर्शकों, वास्तु दोष अगर आपका दूषित है तो पूरे परिवार के सदस्य घबराले हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप देखते होंगे कि पूरे परिवार के सदस्य ऐसे नहीं होते, एक या दो सदस्य उनमें घबराले स्वभाव के अक्सर निकल आते हैं और जब भी वो बैठते हैं इतने उग्र होते हैं कि परिवार में अक्सर कलह का वातावरण बन जाता है। ऐसी स्थिति में आपके घर का वास्तु कम उत्तरदायी होता है और वो जो सदस्य होते हैं उनकी जन्म पत्री में घरों की दशाएं या फिर घरों की स्थिति ऐसी होती है कि वो उग्र हो जाते हैं। अगर किसी सदस्य की जन्म पत्री में अंगारक योग का निर्माण हो रहा है तो अंगारक योग का अर्थ होता है अंगारे की तरह बहक जाना। वो व्यक्ति बात दिन बात भड़क जाएगा और जल्दी ही उसको गुस्सा भी आ जाएगा। ऐसी स्थिति अगर आपके परिवार में है कि कोई एक या दो सदस्य घबराने किस्म की है तो फिर वास्तु के बारे में आप बाद में सोचें। सबसे पहले उनकी जन्म पत्री आप ज्योतिषी को दिखाएं और फिर ज्योतिषी मार्गदर्शन में उसका उपचार करें। हो सकता है कि मात्र एक या दो रत्न ही आपके घर को कलह के वातावरण से उबार दे और आपके घर में शांति का वातावरण बन जाए। कई बार ऐसा होता है कि घर में केवल एक सदस्य ऐसा होता है और उसी के कारण परिवार के बाकी सदस्य आपस में उलझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। अगर आपके परिवार में कलह का वातावरण बना हुआ है तो इसका सा सीधा अर्थ है कि आपके लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाएंगी। आपके घर में कलह का वातावरण है तो फिर सारी समस्याएं आपके घर में आने प्रारंभ हो जाएंगी। जो कृपा वहां से हटती ही चली जाएगी और जो कृपा जल्दी हटती है, आप ये कह लीजिए कि संपूर्ण परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका भाग्य दूषित होना प्रारंभ हो जाएगा, खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। तो घर में कभी भी कलह को नहीं पलटने देना चाहिए और कोशिश सदैव ये करनी चाहिए कि बाकी चीजों के उपाय आप बाद में करें। सबसे पहले वो उपाय करें जिससे आपके घर में शांत वातावरण निर्मित हो, शांति का वातावरण बने और कलह आपके घर में ना रहे। चुने बता दूं दो मुख्य कारण है। या तो किसी सदस्य की जन्म पत्री में इस प्रकार के योग है कि उसको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, या फिर आपके घर का संपूर्ण वास्तु इस प्रकार से है कि वास्तु दोष के कारण भी कलह आपके घर में पनपती रहती है। कई बार आप देखेंगे कि किसी किसी घर में एक कक्ष विशेष हो जाता है, एक विशेष कमरा हो जाता है, उसमें जब भी आप बैठेंगे आप लड़के ही उठेंगे। अगर आपकी आप ये सोचिए कि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप उस कक्ष में बैठना छोड़ दें, किसी अन्य कक्ष में बैठे, इससे भी आप ये नोटिस करेंगे कि वो जो कलह का वातावरण था काफी कम होता जा रहा है।
और हम बताती रहती हैं कि वास्तु देश के आप उपाय अवश्य करें और कक्ष विशेष में अगर आप शुद्ध वास्तु पिरामिड यंत्र रख देते हैं तो निश्चित तौर पर वास्तु दोष से मुक्त हो ही जाता है। इसी से मुताबिक और भी बहुत सारी बातों की जानकारी हम पंडित जी से हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं आपकी राशियों की। दैनिक राशिफल में आइए जानते हैं मेष राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज का दिन आनंद और उल्लास से भरा हुआ होगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज किए गए हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, घर का वातावरण भी प्रफुल्लित रहेगा। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आया है आइए जानते हैं। दिन आपके लिए सुख फलदायी नहीं है, अनेक प्रकार की चिंताएं आपको सता सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहेगा। आज के दिन की शुरुआत आप गाय को पालक देके करेंगे तो दिन आपका अच्छा जा सकता है। मिथुन राशि वाले आज क्या कुछ करें अपने दिन को बनाने के लिए आइए जानते हैं। आज अनेक रूप से लाभ होने के कारण आपके मन में हर्ष की स्थिति निर्मित होगी। पत्नी एवं पुत्र की तरफ से भी लाभदायी समाचार आपको मिलेंगे। युवा उत्सुकों को योग्य जीवन साथी आज मिल सकता है। आज के दिन कर्क राशि वालों की पुस्तक के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आइए जानते हैं। आज का दिन आपके व्यवसाय के लिए लाभदायी है, आप पर उच्च अधिकारी गण की कृपा दृष्टि भी होगी और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। धन संपत्ति मान सम्मान के आप अधिकारी बनेंगे। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आया है आइए जानते हैं। आज का दिन आप धार्मिक प्रवृत्तियों में व्यतीत करेंगे और प्रेमी जनों के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने का कार्यक्रम आपका बन सकता है। कर्मनिष्ठ होकर हाथ पर आ रहे काम को पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आपका व्यवहार आज न्यायानुकूल रहेगा। वास्तु देश से पीड़ित है, चली गई है सुख समृद्धि, तो जानिए अचूक उपाय, निश्चय होगा भाग्योदय। कन्या राशि वालों के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए पंडित जी से जाने कि अगर हमें घर में बदलाव लेकर आने हैं, अगर हमें घर के वास्तु देशों को दूर करना है तो बिना तोड़फोड़ कैसे कह सकते हैं। पंडित जी ऐसे ये कहा जाता है कि अगर आपको वास्तु देश को दूर करना है तो ये तोड़वाओ वो तोड़वाओ, लेकिन हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है और खासतौर पर जब हमने एक मकान सुंदर सा बना लिया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं। तोड़फोड़ के सदैव आपको बचने का प्रयास करना ही चाहिए, अगर अति आवश्यक ना हो तो आपको तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यंत्र आदि के माध्यम से भी वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि अगर आपके घर में केवल एक या दो सदस्य ही उग्र प्रभाव के हैं अर्थात विच्छेद है तो उनकी जन्म पत्नी में हो सकता है किसी प्रकार की इस प्रकार के योग बने हुए हो कि वो विच्छेद हो सकते हैं। इस अवस्था में आप जन्म पत्र दिखाकर उस सदस्य विशेष के विशेष योग के उपाय कर सकते हैं। इनमें से कुछ सामान्य उपाय आपको अवश्य कर लेने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। घर में आप 5 शनिवार बिना नियम तोड़े एक ही समय पर सोने से पहले रसोई घर में तेल का दिया अवश्य जलाएं। शनिवार प्रातः आपको एक कार्य और कर लेना चाहिए कि प्रातः उठकर मुख्य द्वार पर सरसों के तेल में अपनी मधुरा उंगली आप डुबोएंगे और उस उंगली से आप मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक टिकिया का निशान बना देंगे। शाम को सूर्यास्त के समय मुख्य द्वार के दोनों चौखट पर पानी डालेंगे। किसान कोण में अपना देवस्थान आपको बनाना है और नित्य विधि पूर्वक पूजा भी आपको करनी है। एक बात का आप सदैव ध्यान रखें कि देवी देवताओं की प्रतिमाएं वास्तु के अनुसार हो और उनका मुख सही दिशा में होना चाहिए। तो वैसे तो कन्या राशि वालों का इंतजार खत्म कराते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहता है कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज किसी भी नए कार्य का आरंभ ना करें और क्रोध और आवेश में वृद्धि न आए इसका आपको ध्यान रखना है। परिवार और अन्य जनों के साथ उग्र विवाद के कारण आप दुखी हो सकते हैं, इससे आप बचें। सुबह की शुरुआत अगर आप सूर्य को जल देकर और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको गुस्सा नहीं आएगा।